मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फिर किसानों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो इस बार सत्ता में आई तो वो किसान कर्ज माफी तो जारी रखेगी ही, साथ ही किसानों के लिए कृषि न्याय योजना भी लेकर आएगी, जिससे किसानों की लागत कम होगी और उन्हें ज्यादा फायदा होगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। किसान कर्ज माफी से लेकर 5 गारंटी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज बड़ा ऐलान किया। कमलनाथ ने कहा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कृषि न्याय योजना लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की लागत कम करना है। कमलनाथ ने कहा, इसके साथ ही किसानों की लागत कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इससे प्रदेश के काफी किसानों को फायदा होगा। नाथ ने कहा कि किसानों के पुराने बिजली के बिल भी माफ किए जाएंगे, साथ ही किसानों को 12 घंटे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। आगे उन्होंने कहा, किसानों पर कर्ज प्रकरण वापस लिए जाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे, ये चलती रहेगी हमारी जैसी सरकार बनती है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूँ, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहाँ हमने पहले किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किश्त, तीसरी किश्त में आएंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर, 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निशुल्क बिजली दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट हम कम करें। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया हैं, ये राशि भी माफ करी जाएगी। कमलनाथ ने ये घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में नर्मदा सेवा सेना का गठन भी किया जाएगा। 31 जुलाई को नर्मदा आरती से इसकी शुरुआत होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमने नर्मदा के संरक्षण के लिए नर्मदा सेवा सेना के गठन करने का निर्णय लिया है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। नर्मदा सेवा सेना घोषित करने का उद्देश्य नर्मदा के संरक्षण के प्रयासों में सहयोग करना है। हम नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं, हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी, जहां से नर्मदा गुजरती है, नर्मदा सेवा सेना, और वहां के हम सदस्य बनाएंगे, जो ये जो लिखे पॉइंट्स हैं, ये इसमें संकल्पित रहेंगे कि हम ये सेवा करेंगे। और ये एक गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी आ सकता है, शिवराज सिंह भी साइन कर सकते हैं, मुझे इतराज नहीं है, वो भी नर्मदा सेवा में, अगर वो मान जाए कि नर्मदा रेत का धंधा बंद हो जाएगा, तो मैं तो आमंत्रित करता हूँ शिवराज सिंह जी को भी, ये भी इस सेना का के सदस्य बन जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।